प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 8 विषय गणित पूर्णांक है 20 अंकों का। टोटल 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का है। तो आइए हम इन सभी प्रश्नों का हल देख लेते हैं। सभी प्रश्न बराबर अंकों के हैं, तो चलिए हम अपना पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, उचित गुणधर्म का उपयोग कर दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस व्यंजक को हम सरल करेंगे और सरल करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा, 79/16। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सरल करके देखते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 आपको दी गई है, उचित गुणधर्मों का उपयोग कर दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ये भी सेम इसी प्रकार से है, माइनस का 11/6 गुणा 5/6 प्लस 7/9 माइनस 11/9 गुणा 1/6। तो इसको भी हम सरल करके देखते हैं। तो सरल करने पर इसका आंसर आएगा माइनस का 103/108। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 आपको दी गई है, माइनस 5/11 का योज्य प्रतिलोम। तो माइनस 5/11 का योज्य प्रतिलोम हमें निकालना है, तो योज्य प्रतिलोम में हम संख्या का निशान बदलते हैं, तो इसका हो जाएगा 5/11। नेक्स्ट है माइनस 7 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम जैसे कोई भी संख्या है 2/3 है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है 3/2। तो यहाँ पर माइनस 7 है, तो माइनस 7 के बटा में कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस का 1/7। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनस 7/15 को 7/5 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। माइनस का 7/15 और गुणा किससे करना है, 7/5 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम ही होता है। तो 7/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 5/7। इस तरीके से हमें इसको गुणा करना है, 7 से 7 कट गया, यहाँ पर माइनस 1 बचेगा, 5 से 1 कट गया 3 बार, तो माइनस का 1/3। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया, निम्न में से कौन माइनस माइनस एक्स को संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर सारे हैं वही संतुष्ट करेंगे, 1, 1, 5, क्योंकि 2 बार माइनस लगाएंगे हम तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द उपरोक्त सभी। अगला है माइनस 2 से 5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये मिश्र बिंदु, पहले इसको सिंपल बिंदु में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 16, 16 और 5 = 21। तो आएगा माइनस का 21/8। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8/21। ऑप्शन नंबर 6। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है, बताइए कि किस गुणधर्म की सहायता से आप 2/3 × 5/3 × 4/7 का 2/3 × 5/3 × 4/7 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो ये देखिए ऐसे होता है, a × b × c है, b और c को मैंने ब्रैकेट में रखा, और एक होता है a × b × c, यहाँ पर a और b को ब्रैकेट में रखा, तो बात सेम ही है, b c को पहले गुणा करो बाद में a से गुणा करो, चाहे a b को गुणा करो बाद में c से गुणा करो, दोनों बराबर ही आएंगे। ये होता है साहचर्य गुणधर्म। प्रमेय संख्याएं जो होती हैं वो योग और गुणन के लिए साहचर्य होती है, तो ये साहचर्य गुणधर्म है। अगला क्वेश्चन है, 9 का 1/2 + 5/2 + 5/9 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम हल करेंगे, तो पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, तो 1/2 + 5/2 है, यहाँ पर दोनों का हर समान है, तो ये हो जाएगा 6/2 जोड़ेंगे तो, और 6/2 में हम 5/9 और जोड़ देंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 18। 2 का भाग 18 में 9 बार, 9 को 6 से गुणा कर देंगे तो 54, और 9 का भाग 18 में देंगे 2 बार, 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10, यानी 64/10 आएगा, 64/18, और 2 से इसको काट देंगे, ये 32 बार और ये 9 बार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 32/9। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया, 2 से 4/11 का योज्य प्रतिलोम। तो ये भी मिश्र भिन्न है, इसको सिंपल में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 11 × 22, 22 और 4, 26/11। अब इसका योज्य प्रतिलोम निकालना है, तो योज्य प्रतिलोम में हम निशान बदलते हैं, तो माइनस का 26/11। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया गया, −21/11 को 7/33 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो व्युत्क्रम के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, उल्टा होता है संख्या का, तो माइनस का 21/11 को गुणा किससे करना है, 33/7 से गुणा करना, 11 से 1 कट जाएगा 3 बार, और 7 कट जाएगा 21 से, −3 बार, −3 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 9। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन माइनस तीन और माइनस एक के बीच की परिमेय संख्या है? तो माइनस तीन और माइनस एक के बीच, तो सीधी सी बात है दो तो हो ही नहीं सकती, माइनस चार भी नहीं हो सकती, ये माइनस का नौ बटा पाँच है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए माइनस नौ बटा पाँच है, इसका हम भाग दे के देखते हैं, माइनस नौ में पाँच का, तो ये आएगा एक दशमलव, माइनस में रहेगा एक दशमलव चार, तो एक दशमलव चार है माइनस का, वो माइनस एक और माइनस तीन के बीच में तो आएगा ही, तो ऑप्शन नंबर बाईस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चार और पाँच के बीच की परिमेय संख्या नहीं है, नहीं चार और पाँच के बीच में, तो यहाँ पर देखें बाईस बटा पाँच है, भाग देते हैं पाँच का बाईस में, तो यह आएगा चार पॉइंट पाँच, तो चार पॉइंट पाँच के बीच में है। तेईस बटा पाँच से भाग देते हैं तेईस में पाँच का, तो यह आएगा चार पॉइंट छः, ये भी चार और पाँच के बीच में है। चौबीस बटे पाँच से भाग देते हैं तो यह आएगा चार पॉइंट आठ, ये भी चार और पाँच के बीच में। छब्बीस बटा पाँच, छब्बीस से पाँच का भाग देते हैं तो आता है पाँच पॉइंट दो आता है, तो ये पाँच और चार के बीच में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दे। अगला क्वेश्चन है, दो बटा पाँच और चार बटे पाँच के बीच की दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो कभी भी परिमेय संख्या निकालनी हो तो जो संख्याएं दे रखी हैं उन दोनों को जोड़ दो और दो का भाग दे दो, तो दो बटा पाँच और चार बटा पाँच को हम जोड़ते हैं तो यह आता है छः बटा पाँच, और दो का भाग देते हैं तो छः बटा दस काट देंगे तो यह आएगा तीन बटा पाँच, यानी इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या आएगी तीन बटा पाँच। तो जैसे दो बटा पाँच आ गया, उसके बाद तीन बटा पाँच आ गया, उसके बाद चार बटा पाँच आ गया। अब इन दोनों के बीच की हमें परिमेय संख्या निकालनी है, दो बटा पाँच और तीन बटा पाँच, तो दोनों को जोड़ेंगे दो का भाग देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, दो बटा पाँच में तीन बटा पाँच जोड़ेंगे तो आएगा एक, यानी पाँच बटा पाँच आएगा, और पाँच बटा पाँच क्या होता है एक होता है, तो एक में दो का भाग देंगे तो एक बटा दो आएगा, तो एक परिमेय संख्या तो आएगी एक बटा दो। इसी प्रकार हम आगे और निकालेंगे, जैसे ये है तीन बटा पाँच और चार बटा पाँच को जोड़ते हैं तो क्या आता है सात बटा पाँच आता है, दो का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा सात बटा दस, तो एक बटा दो और सात बटा दस इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद में अगला है, निम्नलिखित में से कौन माइनस एक और एक के बीच की परिमेय संख्या है? तो माइनस और एक के बीच में क्या आता है जीरो। अगला है जीरो का योज्य प्रतिलोम, तो जीरो का योज्य प्रतिलोम क्या होता है जीरो ही होता है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर सत्रह, क्वेश्चन नंबर सत्रह आपको दिया गया है तीन बटा दस प्लस दो बटा पाँच गुणा पंद्रह बटा सात का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे हम, तो लघुत्तम कितना आएगा दस आएगा, दस का भाग देंगे एक बार तो ये हो गया तीन, पाँच का गया दो बार, दो को चार से गुणा करेंगे तो दो से गुणा करेंगे तो चार, तो कितना हो गया सात बटा दस। सात बटा दस को गुणा किससे करेंगे हम पंद्रह बटा सात से, तो सात से सात कट जाएगा, ये पाँच से गया दो बार और ये पाँच से गया तीन बार, तो कितना आ जाएगा तीन बटा दो, ऑप्शन नंबर दस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी प्रकार चार बटा पाँच प्लस दो बटा पाँच गुणा पाँच बटा आठ का गुणात्मक प्रतिलोम, पहले इसका हल करना है बाद में गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो चार बटा पाँच और दो बटा पाँच को जोड़ेंगे तो क्या आएगा छः बटे पाँच, और इसको पाँच बटा आठ से हम गुणा करेंगे, पाँच से पाँच कट गया छः बटा आठ, ये दो से कट गया तीन बार, ये दो से कट गया चार बार, यानी कितना आ गया तीन बटा चार। अब इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो क्या हो जाएगा चार बटे तीन, ऑप्शन नंबर बाईस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस गुणधर्म की सहायता से आप चार बटा सात प्लस छः बटा ग्यारह प्लस सात बटा नौ, अभी आपको बताया था कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो योग के लिए और गुणन के लिए क्या होती हैं शास्त्रीय गुणधर्म का पालन करते हैं। शास्त्रीय गुणधर्म क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, तीन संख्याएं हैं, तो चाहे हम बी प्लस सी को पहले जोड़े बाद में ए को जोड़ दें, चाहे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए बी को पहले जोड़े सी को बाद में जोड़ते हैं, ये होता है शास्त्रीय गुणधर्म। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बटा आठ और एक बटा चार के बीच की परिमेय संख्या, तो एक बटा आठ और एक बटा चार के बीच में एक बटा पाँच भी आएगा, एक बटा छः भी आएगा, एक बटा सात भी आएगा, यानी उपरोक्त सभी। तो टोटल 20 क्वेश्चन थे जिसके आंसर हमने देख लिए हैं, अदर विषय के आंसर शीट भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।